कांग्रेस के पूर्व मंत्री और हरियाणा के कांग्रेस मीडिया प्रभारी सुभाष बत्रा ने कहा कि पूर्व सीएम हुड्डा की रैली और उनकी चुनावी घोषणाओं पर लोकतंत्र में सबको रैली करने का अधिकार है। भूपेंद्र सिंह एक सीनियर नेता है, उनको एक रैली और घोषणाएं पार्टी लाइन पर करनी चाहिए थी, उन्हें पार्टी की लाइन के बाहर नहीं जाना चाहिए था। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 2 दिन पहले रोहतक में एक महापरिवर्तन रैली की थी। कैस लगाए जा रहे थे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा नई पार्टी बना सकते हैं, लेकिन उनकी इस रैली पर उनकी ही पार्टी के लोग सवाल उठाने लगे हैं। खुद प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने उनकी रैली को लेकर अनुशासनहीनता का आरोप लगाया है। हमारे साथ हैं पूर्व गृह मंत्री सुभाष बत्रा जी, उनसे बात जानते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की रैली के क्या मकसद थे। देखो, प्रजातंत्र में हर किसी को रैली करने का अख्तियार है। आप तो जानते हैं कि 2 महीने रह गए हैं विधानसभा के चुनाव को। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बड़े नेता हैं, उन्होंने एक बड़ी रैली की है, लेकिन मैं भी ये फील करता था कि उनको ये रैली कांग्रेस के बैनर के नीचे करनी चाहिए, लेकिन चलो रैली हो गई। आज अशोक तंवर का जो बयान आया, जो हमारे पीसीसी के प्रेसिडेंट हैं, कि ये एक जो मैनिफेस्टो जारी किया है ये गलत बात है, इसकी ये आला कमान से बात करके ये बात करनी चाहिए थी, और ये एक अनुशासनिक एक बात है, तो मैं समझता हूँ कि ये बात उनको प्रेस में जाने की बजाय, आज लोग तो मांग कर रहे हैं कि कांग्रेस एकजुट हो, लोग तो चाहते हैं कि इस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो जन विरोधी, आज कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है, आज किसान सुसाइड करने के कगार पे खड़ा है। लेकिन हरियाणा में जिस तरह से गुटबाजी है, वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गुटबाजी से परेशान होकर ये रैली की है। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा की रैली बताई जा गई है, कांग्रेस की नहीं, क्योंकि कोई बैनर नहीं, कोई अभी पूरे भाषण में ना सोनिया गांधी का नाम लिया गया, ना प्रियंका गांधी का, ना राहुल गांधी का। देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये अपने एक इंडिविजुअल लेवल के ऊपर रैली की है, और रैली में तो आप भी हाजिर थे, बड़ी तादाद में लोग आए थे, तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस की कुछ सीमाएँ होती हैं, तो उसी के अंदर उसी के दायरे में रह के ये रैली होनी चाहिए थी। ये थे पूर्व गृह मंत्री सुभाष बत्रा जी, का कहना था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जो रैली करनी थी वो पार्टी की लाइन में ही रहकर ही ये रैली करनी चाहिए थी। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नई पार्टी पर भी उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पार्टी नहीं बनाएंगे, क्योंकि जिसने भी पार्टी बनाई उसका हसर देख लिया है। खबरें बताते लिए कैमरामैन अमित के साथ मैं सुरेंद्र सिंह।